हेलो फ्रेंड, स्वागत हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कुछ आपको अलग सिखाने वाले हैं। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, और बहुत सारे लोग ऐसी बात नहीं है, जानते भी होंगे इस चीज को जो चीज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, आप कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि नया सीखने के लिए इस वीडियो से जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास एक लावा का फोन आया है जो कि मॉडल है Z70, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर इस आईसी से थी। तो ये आईसी है इसकी फ्लैश लाइट जलाने की। तो ये आईसी क्या था कि सेट ऑन तो हो रहा था पूरा, और इसमें जो प्रॉब्लम थी वो फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी और ये आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी। तो ये दूसरे एक शॉप पर दिखाया था कस्टमर ने, तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ था, उसको यहाँ पर शायद रिमूव करा था उस शॉपकीपर ने, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो ये प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ था मेरे लिए भी इसको समझना, क्योंकि यहाँ पर ये आईसी लगा हुआ है, इस आईसी के नीचे पावर आईसी लगा हुआ है। तो पावर आईसी, अब जो कोई फोन आता है अधिकांश हम ज़्यादातर गौर देते हैं वो पावर आईसी पर ही ज़्यादातर देखते हैं कि कौन सा आईसी हीट हो रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर 99% जो प्रॉब्लम हमारी पावर आईसी से ही आती रहती है। तो इस आईसी को हम देख नहीं पाए थे, तो यहाँ पर 1x1 सेट को ऑन करके मैंने टेस्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर सिम वर्क कर रही है, कैमरा वर्क कर रहा है या फिर रिंग टोन वर्क कर रही है, और यहाँ पर सब कुछ चेक होने के बाद लास्ट में मैंने फ्लैश लाइट जला के देखा तो फ्लैश लाइट नहीं जल रही थी। उसके बाद मैंने इस आईसी को निकाला तो हमारा ये सेट शॉर्ट था वो यहाँ पर ठीक हो गया था, बट यहाँ पर जो लाइट की प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम बन चुकी है कि इसकी जो फ्लैश लाइट है उसको कैसे यहाँ पर चालू करें। तो इस वीडियो में बस आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर हमारे पास सेम मॉडल नहीं है या फिर हमारी किसी दूसरे मदरबोर्ड में ये आईसी नहीं है, तो इस एलईडी बल्ब को हम कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दिमाग घुमाया और यहाँ पर एक मैंने कीपैड फोन लिया। तो कीपैड फोन में क्या होता है कि एलईडी बल्ब जलाने के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है सर्किट ऑन करने के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे लिए कीपैड फोन में से किसी से भी निकाल लेना है। उसके बाद आपको आगे का डायग्राम मैंने बना रखा है, उसको मैंने डायग्राम देखा था और उसके बाद यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डायग्राम बता देता हूँ, उसके बाद आप आसानी से इस सर्किट को बना सकते हैं फ्लैश लाइट को। वैसा तो यहाँ पर छोटे मोटे और भी सर्किट बना सकते हैं, जैसे कि चार्जिंग हो गया, यहाँ पर स्पीकर आईसी हो गया, लाइट आईसी हो गया, बहुत सारे वगैरह वगैरह छोटी मोटी ये आईसी है, उसका डायग्राम बनाकर आप सर्किट तैयार कर सकते हैं जो कि सेम आईसी नहीं मिलती है उस टाइम। तो यहाँ पर फ्लैश लाइट है उसका सर्किट मैं आपको समझा देता हूँ जो कि मैंने डायग्राम में बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है वीवेट की लाइन, यहाँ पर एक ग्राउंड है और एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि 3.7 वोल्ट डायरेक्ट जो फ्लैश लाइट आईसी पर जाते हैं वो यहाँ पर जो कीपैड वाली ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है उस पर जाते हैं, तो वीवेट की सप्लाई जाती है। तो वीवेट का एक पॉजिटिव पॉइंट आपको एलईडी के प्लस पॉइंट पर लगा देना है, ये कि यहाँ से प्लस का पॉइंट गया और ये है एलईडी बल्ब, तो इसके एक पॉजिटिव पॉइंट पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रांजिस्टर निकाल लेना है किसी भी कीपैड फोन से, जो कि इस तरीके का होता है, एक पॉइंट ये होता है और दो पॉइंट ये होते हैं, यानी कि तीन लेग का होता है ये। तो यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ, जो कि ऊपर एक सिरा जाता है वो एलईडी पर जाता है जो कि ग्राउंड की लाइन जाती है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है वो एलईडी के ग्राउंड पॉइंट पर लगेगा और ये वीवेट की लाइन पॉजिटिव पॉइंट है वो एलईडी के प्लस पॉइंट पर लगेगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिस्टर में बचे दो पॉइंट, तो ये वाला सिरा है जो कि ग्राउंड का है जो कि डायरेक्ट वीवेट की सप्लाई से जाएगा, जो देख सकते हैं ये वाला। उसके बाद एक पॉइंट बचा हमारा, तो ये है सिग्नल लाइन, यानी कि हमारे लिए पीछे से सिग्नल मिलेगा तो ये सर्किट ऑन हो जाएगा और इस एलईडी बल्ब को ऑन कर देगा, जला देगा। तो ये एलईडी बल्ब का सिग्नल लाइन है जो कि इस पर 1 पॉइंट से 1.8 वोल्ट के करीब आता है।
तो ये आपको फाइंड कर लेना है आपके जो मदरबोर्ड है दूसरा फोन है उसमें कि 1.0 वोल्ट से 1.8 वोल्ट कहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद इसको उस तरीके से लगा देना है जो कि आपको डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 1.8 की सप्लाई है सिग्नल लाइन है वो सेट को ऑन करके और फ्लैश लाइट जलाकर आपको दिखेगा, नहीं तो ऑफ जो फ्लैश लाइट ऑफ होगी तो उस टाइम ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है वो बंद हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है और आपके फ़ोन पर कैमरा लगे हुए होने चाहिए दोनों, उसके बाद ही 1.8 की सप्लाई बनेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि हमारे 1.8 की सप्लाई कौन सी है, सिग्नल लाइन कौन सी है, और इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है एलईडी बल्ब में और एक माइनस पॉइंट होता है। तो आपको ये देख लेना है इसकी जो लाइन है वो इस आईसी में जा रही है और कोई ग्राउंड से टच या फिर वी बैट की सप्लाई तो नहीं जा रही है, जो कि आपको इस तरीके से फाउंड कर लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद ये डायग्राम आप बना सकते हैं और जब कभी भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम का फोन आता है तो आप इजीली यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिग्नल लाइन को चेक कर लेते हैं कि कौन सी है, तो सेट को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद फ्लैश लाइट चलानी पड़ेगी और मल्टीमीटर को वोल्टेज के वोल्टेज में सेट कर लेना है और 1.8 की सप्लाई आपको चेक कर लेना है। तो सेट हमारा ऑन हो चुका है जो कि ऑन तो पहले से भी हो रहा था बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रहा था। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी वो फ्लैश लाइट से थी। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन होता है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है, सेट को ऑन मोड में ले लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है इसकी फ्लैश लाइट को ऑन कर लेना है, जो कि यहाँ पर फ्लैश लाइट का लोगो ये है और मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ। तो फ्लैश लाइट ये ऑन हो चुकी है और इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे 1x1 की कौन सी लाइन पर कितना वोल्टेज हमारे लिए मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हमारी फ्लैश लाइट जली हुई है तो यहाँ पर हम सिग्नल लाइन को चेक करेंगे कि कौन सी है। तो ये हमारी बीवेट लाइन है और ये हमारी सिग्नल लाइन है जो कि 1.83 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लेंगे एक और हम ट्रांजिस्टर को लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारे लिए बी वैट की लाइन तो पता ही चल गया है। तो एक बार हम एलईडी बल्ब की लाइन को भी चेक कर लेते हैं कि हम शॉर्ट आउट करेंगे जो कि ज़्यादा जम्पर नहीं लगाने पड़े। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है और ये वाला माइनस पॉइंट है। तो अब इसकी लाइन को चेक कर लेते हैं कि जो माइनस वाली पॉइंट है वो कहाँ पर जा रहा है। तो माइनस वाला ये यहाँ पर आ रहा है और प्लस वाला शायद यहाँ पर आ रहा है। तो प्रण यहाँ पर हमारी सारी लाइन हमने चेक कर ली है कौन सी लाइन कौन सी है, तो यहाँ पर शॉर्ट आउट करेंगे। तो ये एलईडी बल्ब का ग्राउंड है तो इसको हम उस तरीके से करेंगे और ये वाला पॉइंट है वो ग्राउंड है। तो हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे कुछ इस तरीके से शॉर्ट आउट कर देंगे जो कि हमारा एक एलईडी का सिरा आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जम्पर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है, इससे क्या होगा कि हमारा जम्पर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट आउट हो जाएगा।
तो हमारा एलईडी बल्ब को जम्पर है वो मिल चुका है, यहाँ से लाइन मिल चुकी है, अब ग्राउंड वाली पिन को मिल चुकी है, पॉजिटिव वाले पॉइंट को हम बी वैट से दे देंगे क्योंकि हमने डायग्राम में आपको बता दिया था पहले। तो बी वैट का इस कैपेसिटर पर आ रहा है, अब हमारी लाइन रहेगी सिग्नल लाइन, जो कि सिग्नल लाइन को भी हम यहाँ पर जम्पर कर देते हैं। तो एक बार मैं इसकी फ्लैश लाइट को ऑफ कर देता हूँ, ये ऑफ हो चुकी है, उसके बाद लॉक लगाएंगे और हम इसके जम्पर को सिग्नल लाइन को जम्पर कर देंगे। तो सिग्नल लाइन थी हमारी फर्स्ट वाली, तो हमारा जम्पर है वो लग चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए दो जम्पर लगानी पड़ेगी, बाकी का हमने शॉर्ट आउट कर लिया है। तो अब इसका हम टेस्ट करने वाले हैं, तो हम इसका लॉक खोलते हैं, फ्लैश लाइट चालू करते हैं, देख सकते हैं ये वर्क कर रही है, और इसे हम बंद करते हैं तो बंद होगी। तो मैं एक बार हम मोबाइल को हटाकर चेक करा देते हैं, तो एक बार मैं फिर से चेक करा देता हूं। तो यहां पर हमारी फ्लैश लाइट है वो क्लिक किया तो जल चुकी है, देख सकते हैं यहां पर, और ये बंद कर रहे हैं तो ये बंद हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए 1.8 की सप्लाई थी वो सिग्नल लाइन थी, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो 1.8 वोल्ट यहां पर आ जाता है और ऑफ करते हैं तो 1.8 की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। तो एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया, वैसे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो कि मैंने डायग्राम में आपको बता ही दिया था। तो यहाँ पर मैंने दो जम्पर किए हैं जो कि मैंने शॉर्ट आउट किया है, जो कि ट्रांजिस्टर था वो यहाँ पर उसी तरीके से लगाया है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा जम्पर नहीं लगाने पड़े। तो देख सकते हैं यहाँ पर आईसी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये वाला, जो कि 3 लैग का होता है, बाकी का वोल्टेज लाइन चेक की है। तो इस तरीके से आप भी छोटा मोटा सर्किट बना सकते हैं, जो कि ज़्यादा बड़ा सर्किट तो नहीं है बट ठीक ठाक है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जा रही है और वर्क भी कर रही है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। तो एक बार मैं कैमरे पर भी चेक करा देता हूं, इसका कैमरा पर फ्लैश लाइट वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो यहां पर ये ऑटो पर है, देख सकते हैं, तो ठीक ठाक वर्क कर रही है। आप भी इस तरीके से छोटे मोटे सर्किट बनाना सीखें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा और भी छोटे मोटे सर्किट आपको सिखाने की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग।